السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back in معمول دايري. और दोबारा से सऊदीया में मेरे घर में वेलकम है. मोहम्मद आदम साहब अभी कुछ मिनट पहले उठे हैं और ये देखिए हमने कितनी प्यारी अपनी ABC उल्टी सीधी जो है ना उसको सेटअप किया हुआ है. ए मोहम्मद आदम, आज ना टोटली अनप्लान ब्लॉग है. मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं आज के दिन में मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी या क्या सीन है आज का. बस मैं अभी सोई उठी हूँ, मैंने उठ के बस वजू किया, मोहम्मद आदम साहब उठ गए हैं, उनका हाथ मुंह धुलाया है, एंड दैट्स ऑल. अभी तक यही हुआ, अभी बाकी का दिन शुरू करते हैं अपना कुछी 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 इस प्यारे इस्माइल के साथ. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आदम. से हाय. से आई एम मोहम्मद आदम. तो जनाब वापस आके अभी तक हुआ ये है कि हमने थोड़ा थोड़ा खुद को रूटीन पे लाने की कोशिश की है. कल इतने मतलब मुझे आए हुए भी हो गया हफ्ता और मैंने बैग जो है वो कल अनपैक किए हैं बिकॉज मुझे सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े अलग अलग करके रखने पड़े थे. सो कल मैंने हिम्मत की और वो काम भी कर लिया. अभी मैं काट रही हूँ मोहम्मद आदम के लिए एप्पल और उसके बाद करते हैं अपने नाश्ते का बंदोबस्त, फिर नाश्ता करते हैं पाकिस्तान जाके. ये एक अच्छी आदत है जो मैं लेके आई हूँ कि मैं नाश्ता करने लग गई हूँ. और दूसरी अच्छी आदत ये है कि मैं जो है ना बर्तन पूरी 100% कोशिश यही करती हूँ कि मैं रात को धो के सोऊं. सीरियसली अगला दिन इतना फ्रेश लगता है. पहले बीच में मैं कभी कभी सुस्ती कर जाती थी लेकिन अभी मेरी कोशिश होती है कि नहीं भाई जो मर्जी हो जाए धो के ही सोने. मोहम्मद आदम के एप्पल्स आ गए हैं. वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलें बाकी प्लेट ऊपर रख दे ना, बाकी प्लेट ऊपर ऐसे. आजकल मोहम्मद आदम की फुल ऑन प्रैक्टिस चल रही है कि इसको बोलने पे लेके आया जाए, तो उतना वो नहीं बोलता जितना मैं उसके साथ मजीद बोलती हूँ. बारी आ गई है जी नाश्ते की और नाश्ता आजकल मेरा यही चल रहा है कि दो स्लाइस और दो अंडे. बाकी खाने में आज मैंने सोचा करेले गर्म कर लिए जाएँ जो कि मम्मा ने मुझे बना के दिए थे और बस यही चल रहा. वन हैबिट आई वॉन्ट चेंज इज़ कि मैं नमाज ना बकायदगी से नहीं पढ़ती. दो दिन पढ़ती हूँ मतलब रूटीन बनाती हूँ और बस फिर एक दफ़ा मिस होती है और सारी रूटीन अल्लाह को प्यारी हो जाती है. अल्लाह को प्यारी तो नहीं, खैर वो होती, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है. तो अभी जो है ना मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि वापस अपनी हैबिट रीबिल्ड करूँ. अल्लाह मुझे तौफीक दे, आमीन. मोहम्मद आदम साहब की भी नमाज हो रही है, ये नमाज हो रही है. मानवती जिस टाइम आज नहीं सीधा हो रहा हमारा. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हो गई. मानो अच्छे वाली अल्लाह अकबर करो जैसे पहले कर रहे थे. खाली बॉक्स को देख के ना मेरे अंदर की फिर DIY रूह जो है ना वो बेदार हो गई है. तो मैंने सोचा इसका तो थोड़ा सा ना अपना मेकअप ऑर्गेनाइजर बनाने की कोशिश करती हूँ. अभी ये गत्ते अमेजोन का था ये मेरे ख्याल से, और अभी इसके मैंने साइड वाले गत्ते शत्ते काटे हैं, मेयरमेंट करके फिर इनको जोड़ते हैं. और मोहम्मद आलम भी अपनी कोई ना कोई काम शाम शुरू करने लगे हैं. ऐसे कैसे हो सकता है मम्मा कोई काम करने लगे और मोहम्मद आलम बीच में शामिल ना हो. माय DIY मेकअप बॉक्स जो है वो रेडी हो गया. तो ये वाली वैसे मैं कब का बन गया, पर उस टाइम जो है ना मोहम्मद आलम साहब ने मेरा फ़ोन कर दिया था आगे पीछे, तो जिसकी वजह से मैं इसको शूट नहीं कर सकी. अभी तो मैंने खाना शाना दिया, नमाज शमाज पढ़ी और उसके बाद चाय शाय पी, काफ़ी देर बैठ बूट के फिर मोहम्मद आलम ने तलाश शुरू की कि मैं कहाँ है मेरा फ़ोन. और वो जी मिला मोहम्मद आलम की गाड़ी से. मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा स्टोर रूम का ढूंढने से, लेकिन नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला. तो वो उसके बाद में उसकी गाड़ी से मिला. ये देखें ये मेरा आलमोस्ट सब कुछ, आलमोस्ट नहीं सब कुछ इसमें आ गया. ये जो है ये मोहम्मद आदम की गाड़ी, इसमें गाड़ियाँ निकली थी इनमें से, तो ये बड़ा सारा एक था, मैंने इसको काट के दो पीसेस में करके ग्लू गन से जोड़ लिया. एक वैसे इसका इतना और पीस भी बचा हुआ है, बट आई लाइक इट. और ये ऐसे करके मेरे ड्रेसिंग टेबल के दराज में आ गया है सेट. ये साथ में मेरी कुछ है हेयर एक्सेसरीज. और ये हमारा रहा जी DIY मेकअप बॉक्स, मेकअप ऑर्गेनाइजर क्या लें, बॉक्स तो नहीं है. बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आसानी हो गई है. आई एम रेडी टू गो आउट. मोहम्मद आदम का मैं कर रही हूँ मुझे दूध गर्म और सालन मैंने ज़ैद के लिए बना के रख दिया है. बाकी जो है
फिलहाल तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज मेरा मैगी खाने का दिल कर रहा है, नूडल्स। देखिए मोहम्मद आलम ने ये 14 अगस्त पे पहना था, और मोहम्मद आलम साहब को ना अब तक इसका जोश नहीं गया। बेहतरीन हो गया पे जी। आज मैं तैयारी कर रही हूँ अपने हस्बैंड साहब के फेवरेट लंच की, मटर वाला पुलाव और साथ में आलू की टिक्कियाँ, हिज फेवरेट। आलू शलू मैंने चखा और चावल जो है वो भी भुगोए हैं। ये चटनी का माल रेडी हो रहा है और बाकी काम अभी रहता है। आज भाई जो हुआ है ना मेरे साथ, मैं बड़ी वो होके बना रही थी मटर चावल और आलू की टिक्कियाँ के नजफ अली का फेवरेट है, तो चलो जी आके वो उसको सरप्राइज़ मिलेगा। हाँ सरप्राइज़ मुझे उल्टा मिल गया कि उसने आज आना जी रात को 9-10 बजे। अब यहाँ पे मेरे बन गए मेरे राइस, देखें कितने यमी यमी किस्म के। मैं तो हर खा भी लिया, मामा लोगों का फ़ोन आया हुआ था उनके साथ साथ खा लिया, और काम बाकी मैंने आज के दिन में कोई नहीं किया। मेरी सारी जो एक्साइटमेंट है ना और जो सारा जोश जज्बा था ना, वो उनका लेट सुन के आने का ना बह गया। अभी जो मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी सी हो गई है तो चाय पीते हैं, साथ में हीटर चलाते हैं, और आज का मेरा दिन ये इसी तरह ही ना सुस्त तरीन गया है। बस जितना मैंने काम किया था ना उतना ही किया, कि जो ये मैंने मटेरियल काटा उसके लिए टिक्कियों के लिए वो उधर ही रहने दिया, आलू बॉयल हुए पड़े हैं। फिर मैंने सोचा अभी मिक्सी के रखूँगी, पानी ना छोड़ दे, तो अभी जो है ना इसको मैं आने पर बनाऊँगी। अभी मेरी चाय बनने लगी है, चाय और चार बाकी आदतों में साथ ना मैं एक आध चाय की भी ले जाएंगे पाकिस्तान से। हालांकि इतने अच्छे से मतलब मेरे घर में सारे बड़े शौक से पीते थे, पर मुझे कभी भी चाय का शौक नहीं रहा। इस दफ़ा मैंने इतनी पी है कि तो वहाँ, और ये जो इस टाइम ये जो कलर आता ना, मुझे इतना अच्छा लगता है चाय का, बबल बबल वाला गोल्डन गोल्डन। चाय का एक भाप उड़ाता कप सर्दियों की शाम, साथ में हीटर, हीटर हो और माँ हम उसके सामने ना हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नो, इट्स इवन नॉट पॉसिबल। अभी मैंने और मोहम्मद आलम ने ना कोई गर्म है कोई डिश जो है ना वो बेक की है। ये मैंने कल नगेट का मटेरियल बनाया था, बट मैंने आजमाया भाई जब मैं कभी शॉर्टकट ट्राई करूँ ना तो वो मेरा कभी भी पास नहीं होता, सो वही आज मेरे साथ हुआ जो है ना कल, तो फिर वो मसाला बच गया था तो मैंने उसी का जो है ना ये अभी ओवन में बेक कर लिया। और ओवन में मोहम्मद आलम कितना जोश होता है कुछ ना कुछ बनाने का, और उतना ही मैं नहीं बनाती, बट अभी टेस्ट इज़ वेरी गुड बट शक्ल इज सो सो। ये बिल्ली को मिर्ची लग रही है, खाली केचप खा रही है, वैसे मुझे भी लग रही है। अब मिट्टू बेचारा मानो मिर्ची लगी है केचप की तरह, देखे हो गया या मिर्चों का जो है ना इंतजाम किया है। सोन हलवा पाकिस्तानी सौगात खत्म ही होने वाला यार, बस एक आधे दिन जितना रह गया, थोड़ा सा इतना सा रोज खाओ ना बस फिनिश हो जाएगा कल परसों, और यहाँ से छोरा मिलता भी नहीं है। और मोहम्मद आलम जो है ना ये पहले इन्हीं एप्पल्स को छोड़ के आ गया था, अभी इतनी मिर्ची लगी है कि तमीज के साथ वही वापस खाने शुरू कर दिए हैं। मानो मिर्ची का क्या हाल है। यार रात इतनी लगी नहीं, पता नहीं अभी क्या हो गया उनको। मोहम्मद आदम बाबा का बैग पहन के कहाँ जा रहे हैं? मानो वे आर यू गोइंग? अपने से डबल साइज का बैग पहना हुआ है। पेंगुइन, ये छोटे से पेंगुइन, पेंगुइन वॉक लग रही है आपकी मोहम्मद आदम। ओ मोहम्मद आदम जोश में आया। ओ ओ पेंगुइन यम 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 यम। ये देखें जेंटलमैन मेरा क्या कर रहा है। मेरा जेंटलमैन जो है ना वो कुंडी डंडा लेके बैठा, लहसुन और अदरक कूट रहा है। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, आज हम बनाने लगे हैं चिकन फ्राई। और मोहम्मद आलम जो है ना यहाँ पर रेसिपी सीखने के लिए बैठे हुए है ना। माना मिट्टू को कुकिंग देखने का इंतहाई इंतहाई जो है ना वो शौक है, शौक। यस ये भाई इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है मानो को, और स्पेशली खुद ही डिफरेंट डिफरेंट शक्लें बना के देखने का, मानो शोर तो नहीं करो मानो। बताओ बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोलो मैं लहसुन और अदरक कूट रहा हूँ। परफेक्शन देखो इसकी, कितनी क्यूट लग रही है मेरी मानो।
प्रैक्टिस। देखें भाई हमारी मजेदार सी कढ़ाई हो गई है रेडी, और यहाँ इसके काम देखें, हर चीज मेरे पीछे से उठा के कह रहा है मामा मामा मैं करवाती। हाँ जी माखा टिका टिका टिका। ये कौन सी जुबान बोल रहे हो माना? हम ग्रोसरी शो, वी आर हेयर एट कैरीफोर, रात के 11:30 हम ग्रोसरी करने हैं, और सारी ग्रोसरी जो है ना ये मोहम्मद आजम साहब ने ही करनी है। बस ये देखें हाउ कलरफुल दीज वेजिटेबल्स आर लुकिंग यार, मतलब नाइस नाइस, इतनी फ्रेश है नहीं जितनी ये लाइट लाइट में लग रही है मुझे। मानो पहले वो वाला फ्रूट फिनिश करके फिर ये लेंगे। जो नहीं वो बड़े वाले पे उंगली रख रहा है कि ये ले लो मेरे लिए, इसके अंदर रख दे कह रहा, वो उठा के इसके अंदर रख दो। चॉकलेट किधर है आपकी? चॉकलेट यस। चलो चले माना, वो शहद देखो असली शहद की प्राइस भी चेक करो यार, मतलब इतना महंगा शहद 690। अल्लाह अकबर, 690 रियाल का ये शहद है, सोने वाला हिसाब हुआ शहद का भी। हेलो माओ, मेरा छोटा सा खरगोश क्या कर रहा है? मैं छोटा सा खरगोश बिस्किट एंजॉय कर रहा है। मानो मोहम्मद आलम की एक आंख देखना कैसे छुपी हुई है गैप में। मोहम्मद आलम इधर देखो, इधर मोहम्मद आदम फुल इग्नोर, मम्मा को मारा है मोहम्मद आदम ने। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Here comes my winter special, specially ये pumpkin seed मेरे बहुत 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 favorite है। और मानो अभी अभी हाथ मुँह धो के लिए चॉकलेट खा के लिए ये लो, अल्लाह बस मैं इन सट्टे आते साथ यही काम होना है। अभी मैंने किया है जी सालन शालन गरम, अभी करते हैं डिनर और फिर करते हैं नींदी, क्योंकि अभी मुझे नींद आ रही है। वैसे दिल मेरा नूडल्स खाने का करा था पर अभी बनाने का नहीं हो रहा, इसलिए जो बना हुआ है हम वही खाएंगे। यश मानो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।